आज है हम टैगोर थिएटर में, जहां पर कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा 5 डे नेशनल थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। आज तीसरा दिन है। पहले दिन जो नाटक हुआ था वो था शिवम भोपाल केंद्र से, और दूसरे दिन नाटक हुआ था भाई पड़ोसन, जो कि दिल्ली वालों की प्रस्तुति थी। आज जो ये नाटक तीसरे दिन है वो है शिकस्तें, जो कि निप्पा रंग मंडली लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आइए चलते हैं टैगोर थिएटर और देखते हैं नाटक शिकस्तें। हमारे साथ हैं डॉक्टर उजिता, जो अभी ये प्ले देख के आए हैं शिकस्त। मैडम, क्या बताएंगे आप इस नाटक के बारे में? करंट टॉपिक है जिस पे, मतलब आजकल हम देखते हैं कि लोनलीनेस है ओल्ड एज पीपल्स में, बच्चे बाहर चले जाते हैं, खुद बिजी रहते हैं या एनी कोई भी रीज़न है, उसके बाद ओल्ड पीपल्स जो फेस कर रहे हैं वो इसमें थोड़ा सा इश्यूज बताए गए हैं। दूसरा इसमें एक नेचर भी है कि काफ़ी सारी चीज़ों का पे ये दिखा रहा था ये नाटक ना। एक तो एक्चुअल बिहेवियर जो है इंसान का, वो किसी भी एज में थोड़ा सा चेंज नहीं होता है, वो तो है ही है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि किसी भी एज में आदमी कंपनी जरूर चाहता है, और कंपनी और उसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है, और हर व्यक्ति चाहे वो किसी एज का हो उसमें इमोशंस हैं। इमोशंस भी काफ़ी इसमें, मतलब लड़ रहे थे फिर भी साथ आ रहे थे, और इट मीन्स वो कंपनी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, लोगों के साथ जुड़ना चाहता है चाहे वो किसी एज का हो। मातृशक्ति, मेरे साथी नौजवान पीढ़ी, सभी का चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी और NCZCC प्रयागराज, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये जो 5 दिवसीय राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल नाट्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है, आज उसकी तीसरी कड़ी है। तो बेहतरीन नाटक आप सबने देखे, सराहे, और यकीनन सबके दिल को नाटक छू भी गए, और ऐसी ही एक बेहतरीन उत्कृष्ट प्रस्तुति आज आपके बीच में यहाँ पर है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, सबसे पहले ही बता दूं, क्योंकि कल थोड़ा सा व्यवधान पड़ा था, इसलिए मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या वाइब्रेशन पर कर दीजिए। नाटक के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई इस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है तो कलाकारों का कहीं ना कहीं ध्यान भंग होता है, और दूसरे हम दर्शकों को भी कहीं ना कहीं मजा नहीं आता। तो प्लीज मेरा अनुरोध है कि सभी अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर वाइब्रेशन पर डाल दीजिए, कुछ ही देर की बात है। आप नाटक का आनंद लेंगे, कलाकारों को भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। आज के जो नाटक की यहां पर प्रस्तुति हो उसके बारे में मैं कुछ जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे शुद्ध भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए सभी सम्माननीय दर्शकों की तरफ से जो सम्माननीय, अति सम्माननीय व्यक्ति अग्रिम पंक्ति पर विराजमान है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए भी और इन सभी सम्माननीय व्यक्तियों के लिए, जिनमें सबसे पहला नाम है श्रीमती कमलेश शर्मा जी। बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, कला की दुनिया से जुड़ी हुई है। तालियों से अभिनंदन श्री धर्मेंद्र तायल जी का, धर्मेंद्र तायल जी जो शिक्षाविद भी हैं और उद्योगपति भी हैं, सपत्निक आए हैं, आपका स्वागत। माननीय शरणजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं, बहुत बढ़िया कलाकार, एक ऐसे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। राहुल महाजन जी एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविद हमारे बीच में हैं, आपका भी स्वागत है सर। माननीय अजय गुप्ता जी जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं NCZCC की तरफ के, माननीय अजय गुप्ता जी, और उनके लिए विशेष तालियां क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदीप शर्मा जी से, जो कि चेयरमैन हैं हमारे संगीत नाटक अकेडमी के, और हमारे उपाध्यक्ष विक्रांत सेठ से, जो मुख्य अतिथियों को लेकर के मंच पर आए और दीप प्रज्वलन की जो हमारी शुद्ध भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें।
मैडम कमलेश शर्मा जी से अनुरोध, धर्मेंद्र तायल जी से, मैं कोने पे आ गया हूं और इस मौके पर जो श्लोक बोला जाता है मैं उसका उच्चारण करता हूं। आप लोग तालियां बजा करके इस परमात्मा के आह्वान में हमारा साथ दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आने वाले देश के हैं। दीपावली हो घर घर दीपक जलाते हैं, प्रकाश उत्सव हो तो घर में भी जलाते हैं, गुरुद्वारे में जलाते हैं, हर जगह जलाते हैं, यही हमारे देश की परंपरा है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी जब कभी कोई खुशी का मौका हो तो प्लीज दीपक जलाइए, दीपक बुझाने की परंपरा छोड़ दीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो नई पीढ़ी यहां पर बैठी है, मैं उनसे प्रतिदिन अनुरोध करता हूं, आज भी अनुरोध करूंगा कि जब आप जन्मदिन बनाएं, केक काटें, मिठाई बांटें, उस पर जो मोमबत्ती जलाते हैं प्लीज उसे बुझाना बंद कर दीजिए। उसे बुझा करके अंधकार फैला करके हम कोई भी खुशी नहीं मनाते। हम दीपक जलाने वाले देश के हैं, हम दीप जलाते हैं, खुशियां बांटते हैं। बहुत बहुत आभार सभी माननीय अतिथियों का। इस शुद्ध भारतीय परंपरा का जिसमें जब ये ज्वाला जलती है तो कहते हैं ना, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। तो उस परमात्मा के आह्वान के साथ मैं आज के नाटक की बात करूंगा अनेक कारणों से। सबसे पहले तो ये हमारे नीपा रंग मंडली लखनऊ की प्रस्तुति है। नीपा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट, ये 1991 से लखनऊ में कार्यरत है। इस पूरे नाटक में आप कलाकारों को देखेंगे, जो कलाकार उस पात्र को जिएंगे जिस पात्र के साथ वो है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से जो आज के नाटक के आदेश और निर्देशन का कार्य जिन्होंने किया है, माननीय सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी, जोरदार तालियां उनके लिए। और उनके साथ थे आदेश और निर्देशन में भारतेंदु कश्यप जी, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी, उनके लिए भी अवश्य तालियां बजनी चाहिए। सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के। इसके अलावा 1985 से आप अभिनय में हैं और आपने विशेष रूप से नॉर्वे में जाकर के संस्कृत में बोधायन के ऊपर एक नाटक किया था, भगवत अच्युतियम, और वो संस्कृत का नाटक वहां पर बेस्ट प्रस्तुति में गिना गया, उसके लिए तो अवार्ड मिला वहां पर नॉर्वे में। आपने संस्कृत में मृच्छकटिकम भी किया है, मृच्छकटिकम, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ संस्कृत में ही करते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी किंग एडिपस या मिड समर नाइट ड्रीम, घोस्ट, बेयरफुट इन एथेंस और क्रुआदास, ये कुछ नाटक अंग्रेजी में भी किए हैं और हिंदी में आज आपके सामने भी है आषाढ़ का एक दिन, वो भी उन्होंने किया है। लेकिन आप उनको अच्छी तरह से पहचानते होंगे अगर आप टीवी के ऊपर कुछ हमारे जो धारावाहिक आते हैं, धारावाहिक कहना नहीं चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में आती हैं वो फिल्में अगर देखते हो, अभी एक फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी की कि एक बंदा ही काफी है, उसमें भी कुलश्रेष्ठ जी ने अभिनय किया। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके साथ जो आलेख और निर्देशन में है भारतेंदु कश्यप जी, आपने श्री राम गोपाल बजाज, पद्मश्री राज विसारिया, प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर, नादिरा बब्बर, ऐसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया है। वेटिंग फॉर गोडो और क्रिया चरित्र विशेष नाटक है जिनका उन्होंने निर्देशन किया। आप आर्ट डायरेक्शन में हैं, बहुत महारती हैं आषाढ़ का एक। आज का ये नाटक जिन दो पात्रों पर ही चलेगा वरिष्ठ नागरिकों में, उनमें एक तो सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी 12 वर्ष बाद खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं और निर्देशन भी कर रहे हैं, अदरवाइज ये सिर्फ निर्देशन में चले गए थे, बहुत बड़ी बात है कि निर्देशन भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। और उनका साथ देगी मृदुला भारद्वाज जी, जो खुद संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी है, राष्ट्रपति से पुरस्कृत है, वे 30 वर्षों से अधिक से अभिनय कर रही हैं, जो नीपा जिसका मैंने नाम लिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट की सचिव हैं और बहुत बहुत उम्दा अभिनेत्री है मृदुला जी और कुलश्रेष्ठ जी, ये दोनों मिलकर के आज का नाटक आपके सामने लिख रहेंगे। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि नाटक हमारा आज दो किश्तों में होगा, 50-50 मिनट की दो किश्तों में चलेगा, बीच में एक 7 मिनट का छोटा सा ब्रेक आएगा और उसके बाद फिर आप नाटक का पूरा रसास्वादन कर पाएंगे। तो आप सब तैयार हैं नाटक के लिए, तो जोरदार तालियां बजाइए। नाटक का नाम है शिकस्ता। नाटक मत करो, ये नाटक नहीं है,
हरकत की वो निहायत ही बेहुदा थी। मेरा बर्ताव बहुत घटिया था। मैंने जो तुम्हारा दिल दुखाया है उसके लिए I'm really sorry. कल बहुत डर गई थी मैं। तुमको एहसास ही नहीं कि तुम्हारा बेकाबू गुस्सा दूसरों के दिलों पर क्या असर डालता है। एहसास है, खूब एहसास है कि क्या बीती होगी तुम पर। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डर इस बात का नहीं जो हुआ, डर इस बात है गुस्से में बेकाबू होकर तुम्हारे भीतर से कब कौन सा जानवर निकल आएगा और तुम क्या कर डालोगे ये नहीं पता। कल जब तुमने वो मेज पलटी तो भूल जाओ उसे। और फिर तुम्हारे ऊपर तो नहीं पलटी थी ना। उफ, सोचती हूँ तो कहीं ज्यादा इलाज की जरूरत उन्हें है जो इन्हें यहाँ लाकर पटक गए। और उनसे भी ज्यादा बीमार वो है जो इन वृद्धाश्रमों को चलाते हैं, इनकी तीमारदारी का ढोंग करते हैं। नहीं सर, समझ में ही नहीं आता तुम किसकी तरफदारी कर रहे हो, किसकी मुखालफत कर रहे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है बस तुम मेरी बात को काटने का मौका तलाशते रहते हो खुद को मुझसे ज्यादा काबिल साबित करने के लिए। और गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे धरा रहता है। ताने मारने की फितरत है तुम्हारी। हाँ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दूसरों की मीन में नहीं निकालता, उनकी कमियां गिनाकर उन्हें जलील नहीं करता। सौ सौ चूहे खाए और मेरी हज को चेहरे जीन का कीड़ा हर वक्त बुलाया करता है तुम्हारे दिमाग में।
बच्चों की अपनी जिंदगी होती है, उनका अपना परिवार होता है, ये जानती थी मैं। इसलिए बेटे सिद्धार्थ से कभी कोई उम्मीद नहीं करती थी। एक छोटा सा मकान भी था मेरे पास, लेकिन एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो वो नालायक मुझे देखने तक नहीं आया। ऊपर से हॉस्पिटल के बिल्स, मैंने वो मकान बेच दिया। उस वक्त तो बहुत कोफ्त हुई थी, पर मैंने भी उसके अक्कल ठिकाने लगा दी। एक रात नशे में धुत माँ बहन की गालियां बकता वो घर आया, तो मैंने भी उसकी माँ बहन एक कर दी। उसका सारा सामान उठा के फेंक दिया सड़क पे, कर दिया हमेशा के लिए टंटा खाकर। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हारे दांत जबड़ा थूथन सब तोड़ देता। और मैं तुम्हें जेल भिजवा देती, बैठते रहते वहां फीस के चक्की। तुम क्या सोचते मैं ये नहीं कर सकती? वैसे वरुण जैसे डरपोक में इतनी हिम्मत थी भी नहीं, बेवड़ा था खाला नामर्द कहीं का। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द नहीं आया जिसके बारे में तो अच्छी बातें बोल सकूं? मैं कबूल करती हूँ कि मैं मर्दों के मामले में बहुत बदनसीब रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैं मर्दों के मामले में बहुत नाकामयाब रही हूँ। नहीं, 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 तुमने कहा था कि बदकिस्मत रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो यही कहा था तो ये कि कहीं तुम्हारी बदकिस्मती भी वैसी ही तो नहीं जैसा तुमने मेरे बारे में कहा था। तुमने कहा था कि मैं बदकिस्मती की आड़ में इसलिए छिपता हूँ ताकि मेरी नाकामयाबी की असली वजह ना सामने आए, यही कहा था। तो सुनो, अब मैं कह रहा हूं मर्दों के मामले में तुम्हारी नाकामयाबी की वजह तुम्हारी बदकिस्मती नहीं बल्कि तुम खुद हो, तुम्हारा दम, तुम्हारा ढोंग, आत्मबोधता, मनमानी और अड़ियल रवैया है। ठीक है, जो बंगला कोसना था बक कोस चुके ना, अब चल चल। जोरदार तालियां हमारे इन दोनों महारथियों के लिए। शब्द
कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आपने सबको बांट दिया की ट्राइजेडी की पूरी जनता, पूरी ऑडियंस आपके है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदेश शर्मा जी से, नाम सेठ जी से, कि मुख्य अतिथियों को लेकर के कृपया मंच पर आए। शिकस्ता बेहतरीन नाटक, दो ही व्यक्तियों ने समा बांध लिया, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी और मृदुला भारद्वाज जी। मैं अनुरोध करूंगा सूर्य मोहन जी से कि अपनी बैक स्टेज से भी हमें परिचय करवा दीजिए। हम दो लोग मृदुला भारद्वाज और मैं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, इसके बाद सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा भारतेंदु कश्यप, क्योंकि इस नाटक में और नीतीश भरद्वाज प्रकाश में भी सहायक और साथ ही साथ वेशभूषा और प्रॉपर्टी जो इसी गतियों की चेंजेज हो रहे थे उसमें नीतीश भरद्वाज। शुभम तिवारी, शुभम तिवारी ने मेकअप किया और बाकी सेट और चीजों को संभाला। एक और अमन श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव ने सेट चेंजेस और इसके अलावा यश अलग तरह का नाटक है जो कुछ ना कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करता है। मुझे ऐसा लगा कि हम आप तक इस नाटक को संप्रेषित कर पाए होंगे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदेश जी से और मुख्य अतिथि से कि वो सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी जो अभिनेता भी हैं और गाने प्रेजेंटेशन उनका कश्यप, भारतेंदु कश्यप जी आते हैं लगातार टीवी से, उनका भी सम्मान एनसी जैसी जी से आप तकलीफ के द्वारा जरूर सर आपका शुभकामनाएं हमारे साथ रहती है, इसलिए आपका हमारे साथ हमेशा बना रहे, आपका आभार। तो ग्रुप फोटो के लिए हमारी पूरी